हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी इस पे, मौत। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं। खैनी, गुटखा, तंबाकू, पान, पान मसाला हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। इनका सेवन मुंह के कैंसर का प्रमुख कारण। इस मरीज को जीभ का कैंसर है और हमें इसका ध्वनि यंत्र निकालना पड़ा। अब सब भगवान के ऊपर है। ये एक फुटबॉल खिलाड़ी था। इसके गले का कैंसर अब इसके दिमाग तक फैल चुका है। वो जहां भी जाते थे जीत के आते थे। तंबाकू सिर्फ पुरुषों की समस्या नहीं, रेखा की जीभ और निचला जबड़ा हमें निकालना पड़ा। उनका हाथों का 2 छुरी बेच दिया। तंबाकू परिवारों को उजाड़ देता है। हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80-90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है, मैंने सिर्फ 1 साल गुटखा चबाया, अब मुझे कैंसर हुआ है, अब मेरा ऑपरेशन वाला है, शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा हैं। Any new addictions, ma'am? Last time mint. Uske pehle mint. I saw you open a mint ka box. Abhi bhi mint. Abhi bhi mint. She's carrying it, I'm sure, because I saw her open it. Nahi hai. Hai na? See? Any new addictions? It's my little new ad. No. This, it's mint. Yeah. Nothing else that you've caught on up tak. Don't think so. Okay. One habit that you want to get rid of. I nearly have gotten rid of smoking. I do smoke once in a while, but jo pehle main I used to smoke 100 cigarettes a day, which I don't anymore. Which is amazing. He really has, huh? Come down, surprising. Super. Listen, you guys were very honest with this. Matlab heartfelt.